आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 21वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद में नए इरादे युवा सरकार के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत आज विभिन्न जन जागरूकता संबंधी प्रतियोगिताओं का शुभारंभ रामलीला मैदान पौड़ी में मुख्य अतिथि अध्यक्ष नगर पालिका पौड़ी यशपाल बेनाम एवं विशिष्ट अतिथि प्रभारी जिला अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जबकि GIC पौड़ी में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। रामलीला मैदान में विभिन्न विभागों एवं NRLM द्वारा अपने अपने विभागीय स्टॉल लगाए गए थे, जिनका मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के साथ ही अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री बेनाम ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि राज्य आंदोलन में उनकी भी सहभागिता रही है और इसलिए वो राज्य आंदोलनकारियों के त्याग एवं बलिदान को समझते हैं और निरंतर पौड़ी के विकास में अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि राज्य को पाने के लिए जो आंदोलन हुआ वह आज़ादी की लड़ाई से बढ़कर हुआ। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार राज्य आंदोलनकारी की पेंशन लेने वालों को भी आगे आकर विकास के कार्यों में अपनी जन सहभागिता निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति से जुड़कर देश के विकास कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी श्री आर्य ने कहा कि राज्य की जो अवधारणा होती है उसको आगे बढ़ाने में प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास की प्रगति धीरे धीरे होती है। उन्होंने कहा कि NRLM NLM में काम करने वालों के लिए खुशखबरी है कि उनके उत्पादों की मांग बढ़ रही है, इसलिए सभी मिलकर काम को आगे बढ़ाएं और अपनी आर्थिकी को सुधार सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पाद को इकट्ठा कर बाजार उपलब्ध कराने का प्रक्रिया चल रही है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज जनपद मुख्यालय के रामलीला मैदान में विभिन्न विभागों एवं NRLM द्वारा अपने अपने विभागीय स्टॉल लगाए गए, जिसमें स्थानीय सामग्रियों को रखा गया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र पौड़ी द्वारा मतदाता जागरूकता एवं राज्य स्थापना विषय पर पेंटिंग एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता में 9 बच्चों द्वारा रंगोली, 3 बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। वही शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों की निबंध भाषण पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसका विषय मतदाता जागरूकता एवं राज्य स्थापना दिवस रहा। निबंध प्रतियोगिता में 13 बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें तिमली के अनामिका नेगी प्रथम व राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की पौड़ी की अनुराग द्वितीय व राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज पौड़ी की कनिका तृतीय स्थान पर रही। पेंटिंग प्रतियोगिता में 9 बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रथम स्थान पर राष्ट्रीय इंटर कॉलेज पौड़ी के कुणाल धीमान, द्वितीय स्थान पर राष्ट्रीय कन्या इंटर कॉलेज पौड़ी की दिशा यादव व तृतीय स्थान पर जूनियर हाई स्कूल के केमधार बाड़ा की तुष्का रही। भाषण प्रतियोगिता में मताधिकार विषय में 4 बच्चों द्वारा, राज्य स्थापना दिवस विषय पर 5 बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। वहीं खेल विभाग द्वारा GIC पौड़ी में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 8 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिताओं में शामिल विजेता प्रतिभागियों को दिनांक 9 नवंबर 2021 को रामलीला मैदान पौड़ी में पुरस्कृत किया जाएगा। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। कार्यक्रम में सबसे पहले बहुत धन्यवाद, और चूंकि यहाँ पे स्वयं आंदोलनकारी रहे हैं जिन्होंने राज्य स्थापना में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान, तो आपकी बातों में जो वजन है वो एक आम आदमी की बातों में नहीं होता है। मैं नहीं कह सकता वो बात ना मैं बोल सकता हूँ, जब आप बोलते हैं तो उस बात में वो वजन दिखता है, क्योंकि आप उस जगह पे रहे हैं। अब मैं अपने समस्त विभागों का धन्यवाद देता हूँ, सभी लोगों ने अपना जो प्रेजेंटेशन किया है, स्टॉल लिए हैं, आप लोगों को धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ बच्चों को, जो स्कूल्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, बच्चे इंटरमीडिएट कॉलेजेस के, उनके टीचर्स को, उनके सहयोगियों को, कि आप लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया आज इस प्रोग्राम में, अपना प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम चाहे आज छोटा सा है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी कार्यक्रम में कि आए ना प्रोग्राम, तो ये हेड्स ऑफ, आप लोगों को बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएँ बच्चों को। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।